हाय क्लास, तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कॉजैलिटी इन इकोनॉमिक्स, द ग्रैंगर टेस्ट। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, हमने बताया था कि चार टाइप्स, हमने डायरेक्शंस बताई थी कि कॉजैलिटी जो थी वो आपकी एम टू जी एन पी, फिर जी टू एन पी, वो सॉरी जी एन पी टू एम, या फिर हमने बोला था कि बायलेटरल डायरेक्शन भी हो सकती है, या फिर देर इज नो डायरेक्शन। अब इसी को हम बोलते हैं सिंपली, यहाँ पे इन्होंने बस ये पे ग्रैंगर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन दी है इसी की, कि अगर हम कहते हैं, जैसे मान लो हम कह रहे हैं वाई कॉजेज एक्स या फिर एक्स कॉजेज वाई। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर हमने बोला कि हम एक केस लेकर चलते हैं जहाँ पर एक्स कॉजेज वेरिएबल वाई, मीन्स एक्स आपका क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट और वाई हो गया डिपेंडेंट, एक्स कॉजेज वाई। ठीक है, तो हम कहते हैं एक बाय एक्स की, देखो हम जो भी हम कहते हैं कि जो आपकी फ्यूचर वैल्यूज हैं वो पास्ट की वैल्यू प्रोडिक्ट नहीं करेंगी, आपकी पास्ट की वैल्यूज फ्यूचर प्रोडिक्ट करेंगी। समझ आई कि हम अगर आप जो फ्यूचर की प्रोडिक्शंस करते हो वो आप पास्ट की वैल्यू देखकर फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन करते हो, ऐसा नहीं फ्यूचर की वैल्यूज देखकर आप पास्ट की वैल्यूज बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है, दिस शुड प्रिसीड, प्रिसीड मतलब कि आपके जो चेंज आए एक्स में वो पहले आना चाहिए, और फिर जो चेंज एक्स में आया उसकी वजह से जो चेंज आया वो फिर वाई में आना चाहिए। तो दिस विल शो दैट कि एक्स कॉजेज वेरिएबल वाई, मतलब चेंज इन एक्स वेरिएबल ब्रिंग्स वेरिएबल इन वाई। नाउ इसके अब हम कहेंगे कि फोर स्टेप्स इंक्लूडेड हैं इसमें, जो हमने किसी के अगर जनरलाइज करें हम इसको, तो फोर स्टेप्स क्या आते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिग्रेस करंट जी एन पी ऑन ऑल द लैग्ड जी एन पी टर्म्स एंड अदर वेरिएबल्स, बट डू नॉट इंक्लूड द लैग्ड एम वेरिएबल्स। मीन्स जैसे हमने ये इक्वेशन ली थी, हमने जैसे एक इक्वेशन में किया था कि आपको ये वाली वैल्यू एलिमिनेट करते थे आप, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि जो आप जी एन पी लेंगे उसको आप उसकी ही पास्ट वैल्यू लैग वैल्यू पे रिग्रेस करेंगे, और जो आप आर एस एस निकालोगे दैट विल बी रेजिडुअल सम ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि आर एस एस आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल नाउ रन द रिग्रेशन इंक्लूडिंग द लैग एम टर्म्स। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो आप जो रिग्रेशन रन करेंगे जिसमें एम टर्म भी होगा, और वहां से आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर एस एस यू आर अनरिस्ट्रिक्टेड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। मतलब रेस्ट्रिक्टेड वाले में याद रखना है आपको कि आपको सिर्फ जी जो आप वेरिएबल रिग्रेस कर रहे हो उसकी ही पास्ट वैल्यूज लेनी है, और जो आप इसमें जो अनरिस्ट्रिक्टेड वाला है इसमें आप सारे वेरिएबल्स लोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नल हाइपोथेसिस आप सेट करोगे, इसमें क्या करोगे सिंपली समेशन सिग्मा आई इज इक्वल्स टू जीरो की वही वाली बात, जैसे यहाँ इस वाली इक्वेशन में अगर दिस वैल्यू जीरो तो हम बोल देंगे कि लैग्ड एम डू नॉट बिलोंग टू द इक्वेशन, की लैग्ड एम है ही नहीं आपकी इक्वेशन में, और दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड वाला है कि देयर इज द वैल्यू ऑफ लैग्ड एम इन योर इक्वेशन। फिर हम वही टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे बाय यूजिंग द एफ टेस्ट, आर एस एस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर एस एस आर रिस्ट्रिक्टेड माइनस आर एस एस यू आर डिवाइडेड बाय एम, एम इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर, और यहाँ पर आर एस एस यू आर एंड एन माइनस के, इसकी इसके जो फ्रीडम है आपकी एन माइनस के। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपली आपको बस याद रखना है कि इस न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी एम और इसकी हो जाएगी यहाँ पर एन माइनस के। ठीक है, अब सिंपली अगर हम बोलेंगे अगर एफ की वैल्यू है जो आपकी कंप्यूटेड जो इस फॉर्मूले से आपने कंप्यूट की है वैल्यू, अगर दिस एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड दिस मीन्स कि जो आपकी यानी कि जो लैग डैम है दिस बिलोंग्स टू द रिग्रेशन इक्वेशन, कि आपकी इक्वेशन के अंदर है रिग्रेशन लैग डैम की वैल्यूज एंड दे आर सिग्निफिकेंट। अगर हम और अगर अदरवाइज हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि और हम ये अच्छा, अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब एम है वैल्यू और हम बोलेंगे कि एम कॉजेज जी एन पी। अगर हम बोलते हैं ना कि अगर एम की वैल्यू उस इक्वेशन में आई है आपकी तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब एम की वजह से जी एन पी में चेंज आ रहा है, दिस मीन्स कि एम कॉजेज जी एन पी। और अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं दिस मीन्स कि एम की वैल्यू जीरो हो गई और इक्वेशन में बचिया सिर्फ जी एन पी की करंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू, तो हम बोल देंगे इसमें हम बोल सकते हैं कि एम डज नॉट कॉज जी एन पी, मतलब एम की एम इज नॉट द कॉज फॉर द चेंज इन जी एन पी। तो ये आपका यहाँ ग्रैंगर कॉजैलिटी टेस्ट कंप्लीट होता है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना।